तो दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस 9 यानी F9 का ट्रेलर आ चुका है। सन 2001 में आई ये कार रेसिंग मूवी इतने आगे बढ़ जाएंगी ये किसी ने सोचा नहीं था। और अब इस सीरीज को एक खास नाम भी दे दिया गया है, द फास्ट सागा। F9 को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर जस्टिन लिन, जो कि अब तक इस सीरीज की 4 मूवीज बना चुके हैं। पहले से भी ज्यादा एक्शन और सरप्राइज से भरी हुई ये मूवी इस साल मई में रिलीज होंगी। आज हम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का ट्रेलर ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे इस फिल्म की स्टोरी, तो आइए देखते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है और हमें नजर आता है डोमिनिक टोरेटो, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक फार्म हाउस पर रह रहा है। यहाँ पर डॉम के बेटे को देखकर ये समझ में आता है कि इस मूवी की स्टोरी फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के कुछ साल बाद की है, क्योंकि पिछली बार जब हमने डॉम के बेटे ब्रायन को देखा था तब वो बिल्कुल छोटा बच्चा था, पर अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। यहाँ पर लेटी ब्रायन को अपना क्रॉस नेकलेस देती है। हो सकता है कि इस नेकलेस में भी GPS लगा है, जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था। और शायद लेटी ने ये नेकलेस ब्रायन को इसलिए दिया है ताकि अगर वो फिर से किडनैप हो जाए तो वो उसे ढूंढ सके। आगे हम देखते हैं कि डॉम और उसकी टीम एक अंडरग्राउंड बेस पर जमा हुई है किसी नए मिशन पर काम करने के लिए। और इस बार उनकी टीम में डॉम की बहन मिया भी शामिल है, जिसे हमने आखिरी बार फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के एंड में देखा था। उस मूवी में मिया और उसके हस्बैंड ब्रायन ने ये कहा था कि अब वो रिटायर होना चाहते हैं और वो किसी भी मिशन पर काम नहीं करेंगे। पर मिया को वापस टीम में देखकर लग रहा है कि उसके लौटने की कोई खास वजह है, और मिया इस बार काफी एक्शन में भी दिखेंगी। एक्टर पॉल वॉकर की डेथ की वजह से वो तो वापस नहीं आ सकते और ना ही उनकी जगह कोई ले सकता है, इसीलिए अब ये देखना है कि मूवी में ब्रायन के न होने का रीजन क्या दिया जाता है। इस बार हमारे हीरोज का सामना होगा जेकब से, जिसका रोल कर रहे हैं जॉन सीना। जेकब काफी हद तक डॉम के जैसा है, वो उसी की तरह स्मार्ट है, उसके जैसा अच्छा फाइटर है और वो एक कमाल का ड्राइवर है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जेकब डॉम का भाई है, छोटा भाई। मतलब टोरेटो परिवार में 3 लोग हैं, सबसे बड़ा डॉम, उससे छोटा जेकब और सबसे छोटी मियाँ। जेकब की अपनी भाई बहन से बिल्कुल नहीं बनती और वो डॉम से नफरत करता है। इन दोनों की दुश्मनी का कारण इनके अतीत की किसी बड़ी घटना से जुड़ा है। इस सीन को देखकर ये लग रहा है कि जेकब किसी जेल में बंद है और शायद वो काफी टाइम से अंदर है। यहाँ वो बात कर रहा है साइफर से, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस 8 की विलेन थी। उस मूवी के एंड में साइफर बच के भाग गई थी और अब वो डॉम से बदला लेना चाहती है, क्योंकि डॉम ने उसे एन वक्त पर धोखा देकर उसका खेल बिगाड़ दिया था। साइफर यहाँ जेकब से एक डील कर रही है कि अगर वो डॉम को मारने में उसकी मदद करेगा तो वो उसे इस जेल से बाहर निकाल देंगी, जिसके लिए वो मान गया है। यहाँ जेकब काफी सारे लोगों के साथ डॉम के अड्डे पर आया है। इन सभी सोल्जर्स को शायद साइफर ने भेजा है जेकब की हेल्प के लिए। इन सोल्जर्स ने एक स्पेशल सूट पहना है। आगे हम इसी सूट में जेकब को भी देख सकते हैं। ये सूट किसी तरह का एक पावरफुल आर्मर है। ट्रेलर के एक सीन में हम डॉम को भी इसी सूट में देख सकते हैं। उसने इस सूट की पावर से यहाँ एक उड़ती हुई कार को पकड़ लिया। जेकब भले ही कितना भी चालाक और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो डॉम से थोड़ा पीछे ही है। उसकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो अपने भाई से आगे निकल जाए। यहाँ पर जेकब और डॉम की लड़ाई चालू है और डॉम बिना किसी स्पेशल सूट के भी जेकब को अच्छी टक्कर दे रहा है। पर फिर भी इस बार जेकब का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि उसके साथ साइफर है, जो कि उसे हर तरह से हेल्प कर रही है। यहाँ जेकब की कार एक पहाड़ी से गिरने ही वाली होती है, लेकिन साइफर ने अपने मैग्नेटिक प्लेन से उसकी कार को कैच कर लिया। मूवी के बाकी कैरेक्टर्स की बात करें तो इस मूवी में ड्वेन जॉनसन यानी ल्यूक हॉब्स नहीं है। इसका रीजन ये है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 8 की शूटिंग के दौरान विन डीजल और ड्वेन जॉनसन का झगड़ा हो गया था, इसीलिए वो इस मूवी में नहीं है। हालांकि उन दोनों के बीच फिलहाल सब कुछ सही है, इसीलिए हो सकता है कि ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक हमें अगली मूवी में नजर आए। ट्रेलर के एक सीन में हम डॉम को शॉ की माँ के साथ देख सकते हैं, हालांकि डेकर्ड शॉ और उसके भाई बहन हमें कहीं नहीं दिखे। इस सीन में ये दोनों फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट के कैरेक्टर्स हैं, सीन बोसवेल और अर्ल हु। इन दोनों ने यहाँ पर एक कार को मॉडिफाई किया है उसमें रॉकेट का इंजन लगाकर, और रोमन उस कार को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक जेट के साथ रेस लगा रहा है। इस मूवी में टोक्यो ड्रिफ्ट का एक और कैरेक्टर है और वो है हान। हान फास्ट एंड फ्यूरियस 3 के एंड में मर गया था और उसे मारा था डेकर्ड शॉ ने, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस 8 और हॉब्स एंड शॉ में डेकर्ड को एक हीरो की तरह दिखाया गया है। इसीलिए सभी फैंस का ये कहना था कि जिस इंसान ने एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को मारा है उसे विलेन से हीरो क्यों बनाया गया। इसीलिए काफी टाइम से एक हैशटैग शुरू हुआ था, जस्टिस फॉर हान, और अब हान वापस आ चुका है। इसीलिए ट्रेलर के एंड में लिखा हुआ है जस्टिस इज कमिंग। हान को वापस जिंदा करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ कैरेक्टर्स को मरने के बाद जिंदा किया जा चुका है, और डेकर्ड शॉ को हीरो बनाने के लिए हान के साथ इंसाफ करना तो बहुत जरूरी था। तो दोस्तों ये था फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए,
ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।